जान भी देनी पड़ी तो मसले में फर्क नहीं आने दिए।
बल्कि जान का नजराना पेश किया। वक्त के बादशाह ने कहा कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कलाम कुरान रब का कलाम है, ये मखलूक नहीं। जिस तरह वो कदीम है इसी तरह उसकी सिफत भी कदीम है। ये मखलूक नहीं कुरान, ये कादिर का कलाम है। इस पर बादशाह रोजाना कोड़े मारता, आप कोड़े खाते जाते लेकिन ये सदा बुलंद करते रहते। लाकर इस हालत में आपको मौत है, कब्र में तदफीन हुई तो किसी को ख्वाब में मिले तो उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ। तो आपने फरमाया जब फरिश्ते मेरा हिसाब लेने आए थे तो उधर से आवाज आई थी फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका हिसाब मैं आप ही लूं। इमाम से कहो तो सुना अल्लाह का बुजुर्ग हजरत इमाम में अहमद बिन हंबल का रहमतुल्लाहि तआला फरमा फरिश्तो इसे न कहो मर रब्बुक, तुम न इससे सवाल करो मा कुंता तकुलु फी हक्की हाजर रजुल, मैं आप पूछूंगा इसे। इमाम फरमाते मुझे रब ने पूछा बता रोजाना कोड़े क्यों खाता था, तो मैंने अर्जी पेश की मालिका तुझे नहीं पता कि मैं क्यों खाता था। तो फरमाया उधर से सदा आई, पता है लेकिन तेरी जुबान से सुनना चाहती, मालिका तेरे दीन के पहरे के लिए थे, तेरे भेजे हुए इस्लाम की हदूद को कायम रखने के लिए थे, मालिका तेरे लिए था। उधर से सदा आई है मेरे अहमद बिन हंबल, तूने मेरी खातिर ये काम किया ना तो आज इनाम भी सुन ले। मालिका वो क्या? फरमाया हर किसी को दीदार बरोजे कयामत होगा। हर कोई मेरे दीदार से मालामाल बरोजे कयामत होगा, लेकिन मेरी खातिर कोड़े खाने वाले तुझे दीदार आज से ही रोजाना होगा। कुरान का मतलब आप फरमाते हैं मुझे वो इमाम अहमद बिन हंबल, आप फरमाते हैं मुझे एक मर्तबा ख्वाब में रब्बे जुल जलाल की ज़ियारत हुई, ख्वाब में मुझे नाम मिला अल्लाह। वो फरमाते हैं मैंने रब्बे जुल जलाल से पूछा मालिका तू किस चीज से राजी होता है, तू बंदों से राजी कब होता है। उधर से मुझे उधर से रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अहमद जब कोई कुरान पढ़ता है ना कुरान पढ़ता है तो मैं राजी हो जाता। आप फरमाते हैं मैंने रब्बे जुल जलाल से पूछा मालिका क्या कोई कुरान समझ के पढ़े फिर राजी होता है, क्या नाजरा ही पढ़ता रहे फिर मैं राजी हो जाता। उधर से जवाब आया अहमद बिन हंबल मेरा कुरान कोई समझ कर पढ़े मैं तब भी राजी होता हूँ, और कोई समझ के बगैर नाजरा ही पढ़ता रहे मैं फिर भी राजी हो जाता। डॉक्टर अलामा इकबाल ने यूं ही तो नहीं ना कहा, वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान हो अल्लाह, वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तार के कुरान होकर, हमारी बेबसी क्या है, हम मजलूम क्यों है, आज हम मगलूम क्यों है, इसलिए कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद में दरसे कुरान का ये सिलसिला कयामत की सुबह तक जारी रहे। आमीन। जहाँ बैठ के कुरान पढ़ा जाता है तो मस्जिद है ना, बस जहाँ बैठ के कुरान पढ़ा जाता है और जो लोग बैठ के कुरान सुनते सुनाते और समझते हैं उसके मुतालिक आता एक और ने पता क्या फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस फरमाया जब लोग अपने अपने घरों से निकल कर एक घर में रब के जमा हो जाते हैं वहां बैठकर कुरान पढ़ते वयतदारा बैना सुनहु और कुरान समझते हैं एक दूसरे को समझाते हैं तो रब्बे जुल जलाल उस महफिल पे चार रहमतों का नजूल फरमाता है इल्ला नजलत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ्फतहुमुल मलाइका व जकरल्लाहु फीमन इंदा। रब्बे जुल जलाल के महबूब का
अंदर रब के घर में जमा जाते हैं मजतबा कौम फी बैत मिन बयूत अल्लाह यतलून किताब अल्लाह फयतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना फगशियतहुमुर रहमा फहफ्फतहुमुल मलाइका फदखल अल्लाह फी मन इंदा। जब लोग अपने अपने घरों से निकल कर अल्लाह के घर में जमा होते कुरान पढ़ते हैं कुरान पढ़ाते कुरान समझते हैं कुरान समझाते अल्लाह तबारक व तआला ऐसी महफिल पर चार रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। पहली पहला कर्म क्या होता है अल्लाह दिलों पर सकीना का नाज़िल फरमाते हैं बिगड़े हुए दिलों को सुकून की दौलत अता फरमाते हैं। अल्लाह ऐसी महफिल को अपने हरीम नास में ले लेता है फरिश्ते इस महफिल में पर तान के खड़े हो जाते और जो फरिश्ते रब की महफिल में बाकी बचते रब जुलजलाल फरिश्तों से फरमाता फरिश्तों देखो तुम तो कहते थे खून रेजियां करेंगे तुम तो कहते थे सूद का बाजार गर्म करेंगे देखो दुकान छोड़ के आ गए घर छोड़ के आ गए बीवी छोड़ के आ गए बच्चे छोड़ के आ गए मसरूफियात तलब करके आ गए आगे है रब के कुरान में अल्लाह आप हाजिरी लगाता है ओए फलां भी आया फलां का बेटा भी आया सहाबी की ज़ियारत की।
तो हम ऊंची आवाज से सुन लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना मर्तबा क्यों मिला?
होकर भी इतना मर्तबा पा जाए कि सहाबियों को आप हुक्म फरमा रहे इससे दुआ करवाओ। आका हजरत वैस का इतना मर्तबा क्यों है? अब कुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, रहमतों के फूल बरसे, मेरे महबूब ने आपे दम 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 से दूले हुए खास में आका ने फरमाया वाला वाले दत्तन लहू वाले दत्तन वाला हाँ कर रान फरमाया मेरा ये वैस की एक माँ है माँ, उसका रुतबा इसलिए है कि अवैस अपनी अम्मी जी का बड़ा इताबेदार है, इताबेदार अपनी माँ का बड़ा ताबेदार है मेरा अवैस। एक रुतबा और ताबी से ऊपर एक रुतबा जिसको सहाबी कहते हैं, सहाबी वही बात है नमाजों से नहीं बनता, लम्हे पर के लिए हालत ईमान में सरकार की बजम को आ जाए, बंदोहा का चेहरा देख जाए, बंदैन की जुलम देख जाए, मेरी उनकी बात से कहो ना सुभान अल्लाह, का सीना देख जाए, दिलों के हाल देख जाए, अल्लाह का चेहरा देख जाए, जिनका नाम है हारिसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला, हजरत हारिसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला हो, कौन साहबी? अंसारी साहबी, मदीना शरीफ के रहने वाले थे और बड़े जल्दी दलेर साहबी और सखी भी ऊंचे दर्जे थे। जिस घर में हजरत अली रहते थे ना, जिस घर में मदीना शरीफ में हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा रहते थे, ये तोहफा पेश किया था हजरत हारिसा बिन नुमान, गिफ्ट पेश किया था, गिफ्ट पेश किया था, लो तुम्हें रहो आप रहे आपके बीवी बच्चे रहे, गिफ्ट पेश किया हजरत हारिसा बिन नुमान ने। और कितने ऊंचे दर्जे की सहाबत, आखिरी उम्र में नबीने हो गए थे, अपने मुसल्ले में रहते, अपने पास खजूरों का टोकरा रखते, अपने दरवाजे को धागा बांधा हुआ था रस्सी, और उसमें कुछ सिस्टम बनाया हुआ था, मांगने वाला आता उधर से बैठ के खजूरें देते रहते। घर वालों ने एक दिन कहा भाई हमें हुक्म करो ना, हम खिराब करते रहेंगे। आपने फरमाया तुमने सरकार का फरमान नहीं सुना? पूछा क्या? फरमाया हमारे हबीब ने फरमाया जो सखावत अपने हाथ से करता है अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज रखता है, जो सखावत अपने हाथ से करता है अल्लाह उसको बुरी मौत से महफूज रखता है। ये हारिसा बिन नुमान कौन है? एक मरतबा सरकार की बजम में गए ना तो आका एक कौनैन की बजम में एक बंदा बैठा हुआ था, हजरत हारिसा बिन नुमान ने सलाम किया उसको और उसने भी आगे से हजरत हारिसा बिन नुमान को सलाम किया। जब वो बंदा उठ के चला गया ना तो सरकार ने पूछा जानते हो कौन है? हारिसा जिसको सलाम करते हो जानते हो कौन है? आका मैं तो नहीं जानता। फरमाया सुनो ये तूने किसी आम बंदे को सलाम नहीं किया, ये जबरील था जिसको तू सलाम कर रहा था। हजरत हारिसा बिन नुमान का मर्तबा देखो कैसा है। आका एक औरत मतलब दखलतुल जन्ना, राविया कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका बिनत सिद्दीक, सच्चे बाप की सच्ची बेटी रजी अल्लाह तआला अन्हा। आप फरमाती हैं सरकार फरमाता है दखलतुल जन्ना, मैं एक मर्तबा जन्नत में गया। ये हम जो सरकार का मेराज बयान करते हैं ना, आपका एक औरन को 33 मेराज हुए, 32 आपको ख्वाब के अंदर हुए और एक आपको जागते हुए हुए। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ये ख्वाब ख्वाब का मेराज है। फरमाया दखलतुल जन्ना फकरातु फसमेतु फीहा किरातन, आका फरमाते मैं जन्नत में गया ना तो जबरील के साथ में जन्नत की सैर कर रहा हूँ, फसमेतु फीहा किरातन, और मैं वहां मैंने कुरान सुनने की आवाज सुनी, मैं मेरे कानों में कुरान की आवाज गूंजी, मैं जन्नत में पहुंचा तो मेरे कानों में कुरान की आवाज आई, बस समय तो फीहा किरातन, मैंने कुरान की आवाज सुनी, मेरे कानों में कुरान की आवाज पड़ी, तो मैंने जबरील से पूछा मन हाला जबरील ये कुरान पढ़ने वाला कौन है? तो आगे से फरिश्तों ने जवाब दे दिया आलू हारिसा तुम्हें नमाज़
हारसा बिन नुमान है। फरमाया ये हारसा बिन नुमान जमीन पे कुरान पढ़ता है, आवाज इसकी जन्नत में आती है। जमीन से पहला आसमान 500 साल, फिर दूसरे आसमान में 500 साल की मोटाई, फिर 500 साल का सफर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवा, फिर सिदरा, फिर जन्नत। हारसा बड़े मदीने में कुरान आवाज जाए जन्नत में सुने मुस्तफा। बतलाइए ना, हारसा बिन नुमान को ये रुतबा मिला क्यों? हारसा बिन नुमान की अजमत क्यों है? उनको इतना मर्तबा क्यों मिल गया कि वो जमीन पे कुरान पढ़े आवाज जन्नत में जाए? उन्हें तुलस की पत्तियों को हरकत हुई। यहाँ पे लिखने वाली बात है, हदीस है, किस्सा नहीं, कहानी नहीं, सब इसका शरीफ के अंदर मौजूद है, हदीस की दर्जनों कुतुब के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, कहा ना परेशान हो
سلامتی والا جس دن میرا یحییٰ جائے وہ دن بھی سلامتی والا جس دن دوبارہ اٹھے وہ دن بھی سلامتی والا उस दिन जैसा भी कोई दिन नहीं, जिस दिन ये जाएगा उस दिन जैसा भी कोई दिन नहीं। हमें लोग कहते हैं 12 रबी अव्वल को सरकार गए थे, हम कहते हैं रब कहता है नबी जिस दिन जाए वो दिन भी सलामती वाला हो, नबी जिस दिन आए वो दिन भी सलामती वाला हो, नबी जब दोबारा उठे उठेगा वो दिन भी सलामती वाला होगा। आपने कहा मालिक है यहया अलैहि सलाम की बड़ी शान बयान करता है, यहया पैदा नहीं हुआ तो कहता है ये सैयद है, कहता है ये रसूल है, कहता है ये नबी है, कहता है ये साले, इसको पाक करता है, इसको सुथरा करता है, इसके सर पे नबूवत का ताज रखता है, ये जिस दिन आए वो दिन सलामती वाला, जिस दिन जाए वो दिन सलामती वाला, जिस दिन उठे वो दिन सलामती वाला। मालका बता हजरत यहया का इतना मर्तबा क्यों है, कि हजरत यहया की इतनी शान क्यों बयान करता, तो उधर से आवाज आती है सामने आंखें उठाए। कुरान तो देखो आज के नौजवानों नबूवत का ताज सर पर है, रब कहते हैं मेरे यहया की क्या जरूरत है। अपने अब्बा जी के सामने ऐसे मुंह करके बात कर, अपने बाप के सामने नजरें झुका के रखते हैं, मेरा यहया की क्या जरूरत है अपनी माँ के सामने कड़क के बोले। जब भी बोलता है शफकत से बोलता है, जब भी बोलता है नरमी से बोलता है। ये तो हजरत यहया एक वो है जिसको रब्बुल जलाल ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, जिसकी माँ को रब्बुल जलाल ने बाप के लम्स से भी पाक, जिसकी माँ को बाप के लम्स से पाक रखा गया, वो हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिसको हुक्म हुआ ना निकला अपने घर से बाहर, वो लम्हात भी आए ना तो हजरत बीबी मरियम के यहाँ हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए, फिर उधर से हुक्म आया फरमाया इसको बरादरी में लेके वापस चलो। रब्बे जुल जलाल से अर्जी पेश की, माल का आप बरादरी को जाके क्या करो, कि मैं कुंवारी थी दुशीदा से घर से निकली हूँ, अब बेटा उठाकर बरादरी में वापस जाऊँ तो वो क्या कहे, तो मैं तुझे बताने की क्या जरूरत, अगर किसी ने पूछा ना तो ये बताए, ये जो आया ना ये बताए। हजरत बीबी मरियम पीछे गए तो थोड़े से ताज्जुब आया ना, तो हाथ पे गैबी से आवाज आई, मरियम तू क्यों परेशान होती, तुझे नहीं होना चाहिए, मालिका क्यों ये कैसे बोलेगा, फरमाई से ना दे हमें दे, जो बगैर बाप के दे सकता है ना वो दूध पीते हुए को बुला भी सकता है, जा तू। हजरत बीबी मरियम गई ना तो चट्टे जी में सारे इकट्ठे हुए, कौन है, ना तेरा बाप है ना तेरी माँ है ना तेरा भाई है, बीबी मरियम ये तूने क्या किया, क्या किया तूने, तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी ऐसी नहीं थी, तेरा भाई भी ऐसा नहीं था, आले इमरान तू तो आले इमरान है, रब ने तुम्हारा चुनाव किया, ये क्या करके आई। हजरत बीबी मरियम खामोश और चेहरे पे मोरे मोरे सुकून ना होंठों पे इशारा फाइशारत ले, आप कुरान का फाइशारत ले, बीबी मरियम इशारा करके मुझे ना पूछ, तो ये किससे पूछ, कभी फाइशारत ले आने वाले से पूछो, इससे पूछो कौन है, बड़े 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 अकलमंद होते हैं, बड़े बड़े चौधरी जब बछड़े हुए हो फिर कौन पूछ सकते, उन्होंने जुमला बोला ना रब ने उसको कुरान में रखा, मोहल्ले का चौधरी नहीं संभाला जाता, सारा पिंड इकट्ठा होता, अब सारा मलाका इकट्ठा, उन्होंने जो जुमला बोला रब ने कुरान में रखा है, फिर नकल मन का न फिल महद सभी क्या, सुभान अल्लाह, हमें पागल बना दिया, कई फन उकल्ले मुमन कान फिल महद सबिया, कभी वो भी बोले जो भंगूड़े में होते, हमें पागल बना दिया, फिर से पूछे, इतने पागल हम नहीं हुए,
कि हमें आम इससे पूछे कभी वो भी बोले हैं जो पंगूड़े में होते हैं। माँ की इज्जत पे आए ना आया ना हरफ, लोगों ने उंगलियां उठाई ना माँ की तरफ, हजरत ईसा पंगूड़े में बोले। आपके मर्तबे पे कुर्बान जाऊं तो पंगूड़े वाली तकरीर भी कुरान में रखी। फरमाया जब माँ पे ताने उठे, जब माँ पे उंगलियां उठी तो हजरत ईसा दूध पीता बोला पंगूड़े में बोला इन्नी अब्दुल्लाह आदानी अल-किताबा आदानी नबिया आदानी मुबारक अइन मा कुंत फाउसानी बिसलाती वसदाती मा कुंत हैजा वबर्रम बिवालदती वलम यजाल लिक बारक शदीशा वसलामु अलैका यौम वलिदत वयौम उमूत वयौम उबअस हैजा जालिक ईसा इब्नु मरियम। खबरदार किसी ने मुझे पूछो मैं कौन कौन चलो तुम बताओ तुम कौन हो। इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बन रहा हूँ अल्लाह का बन रहा हूँ। बीचों में किसी ने कहा सारे अल्लाह के होते मुझे रब ने मुबारकों वाला बनाया, मैं जमीन पे ऊपर रहूंगा मुबारक बनता रहूंगा जमीन के अंदर रहूंगा मुबारक बनता रहूंगा। अगर नहीं समझ आती तो कोहरे लाओ हाथ मैं रखता हूँ आप उसको शिफा देगा। अंधे लाओ मेरी मजहब में हाथ मैं रखूंगा रब उनको आंखें देगा। पर कोहरे भी छोड़ो अंधे भी छोड़ो मुर्दे लाओ छोटे मैं मारूंगा रब उसको जिंदगी अता फरमाएगा। बात सुनो किसकी
जो तेरा नबी, जो मेरा नबी, जो कायनात का नबी, ने इकट्ठे किए ना अपने मोहल्ले वाली औरतें और यूसुफ को बिठाया, कहते मुझे ताने मारते हो ना, आओ मेरा यार देखो। हजरत ज़ुलैखा ने बिठाया, बुलाया मोहल्ले की औरतों को, चौधरियों, चट्टों, वज़ीरों की, आओ और मुझे ताने मारती हो, मैं गुलाम का, मैं गुलाम के ऊपर जो है आशिक हुई हूं, मेरा यार देखो। रब्बे ज़ुल जलाल को भी अपनी कुदरत के लायक जलाल आया, अक्सा के अंदर सारे नबियों को बुलाया, फरमाया आदम अलैहि सलाम आप भी चले, मूसा अलैहि सलाम आप भी चले, ईसा अलैहि सलाम आप भी चले, नूह अलैहिस्सलाम आप भी चले, इब्राहिम खलीलुल्लाह आप भी चले, अरे सवा लाख नबियों उठो अपने अपने मीनारों से और अक्सा में चलो, अल्लाह क्या करे। फरमाया उधर रखू अपना यार दिखाती है, सवा लाख के चुनत में हमारा अभी वो महबूब सहाबा के मजमे में जलवा फरमा था, आका कौनैन ने सहाबा के मजमे में ठंडी आ पड़ी, सहाबा ने पूछा आका क्या हुआ, मेरे महबूब ने फरमाया मुझे अपने अम्मी जी याद आए, मुझे अपने अब्बा जी याद आए, मुझे अपनी माँ याद आ गई है, मुझे अपने अब्बा जी याद आ गए हैं। आका क्या याद आया, फरमाया लो हजरत को अलैहिस्सलाम वाले दे, लो हजरत को वाले दे, काश मेरे अम्मी अबू जिंदा होते। आका फिर क्या होता, उगा देता है, दरख्तों को इशारे करके बुला लेता है, मेरा बाप देखता आज अपनी अम्मी का दौर, आज जो है आज मेरे वालिदैन का मर्तबा देखते लोग। आका क्या होता, फरमाया फिर वो होता जिस पर रब भी नाज करता। आका क्या होता, फरमाया फिर बिलाल अज़ान पढ़ देता, किसकी, इशा की, फरमाया हजरत बिलाल इशा की अज़ान पढ़ देती और फिर इकामत का वक्त आ जाता, बिलाल मुसल्ले पे आ जाते, इकामत पढ़ती, तुम्हारी सफ़े बन जाती, तुम मेरे पीछे होते, मैं अपने मुसल्ले पे आ जाता, तकबीरे तहरीमा हो जाती, सना गुजर जाती, मैं सूरह फातिहा में होता, वक्त करा तो मैं फातिहा की किताब, मैं किताब कुरान की फातिहा की तिलावत करता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फरमाया अभी फातिहा मुकम्मल न होती, अचानक मेरी मस्जिद की खिड़की खुलती और मेरी माँ सदा करती, मेरी अम्मी जी बुलाते, सुम्मा तुनादी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को करती ओ मोहम्मद लाजब तो आलम पैक, ओए जहानी को सरकार का जुमला लाजब तो लबैक, लाजब तो लबैक, लाजब तो लबैक, ना मैं अज़ान देखता, ना मैं तकबीरे तहरीमा देखता, ना तुम्हारी सफ़ों को देखता, ना सूरह फातिहा को देखता, ना नमाज़े ईशा को देखता, आका क्या होता, फरमाया नमाज तोड़ देता, माँ के कदमों में हाजिर हो जाता, जी अम्मी जी तुम पहले बताओ, रब की नमाज बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। जबरील हमारे जैसा देखा है, तो
جبریل بھی منہ سے بول کے کہتا ہے کل لب تو الارض مشاری کہا بابا داری کہا کل لب تو الارض مشاری کہا بابا داری کہا فلم عجیب اول عالم عالم عجیب رجلا افضل نے محمد آتا مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا شمال بھی دیکھا جنوب بھی دیکھا آسمان بھی دیکھا سدرا بھی دیکھی جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی پورے بھی دیکھی ملائکہ بھی دیکھے زمین بھی دیکھی آقا آدم صفی اللہ بھی دیکھے نوح نبی اللہ بھی دیکھے عیسیٰ روح اللہ بھی دیکھے موسیٰ کلیم اللہ بھی دیکھے ابراہیم خلیل اللہ بھی دیکھے اسماعیل ذبیح اللہ بھی دیکھے میں نے داؤد کی نغموں کو بھی سنا میں نے سلیمان کی بادشاہت بھی دیکھی میں نے یوسف کا حسن بھی دیکھا لیکن رب کعبہ کی قسم کل لب تمہارا مشاری کہو بابداری کہو فلم عجی رجلا افضل من محمد رب کعبہ کی قسم میں نے آمینہ کے لال جیسا ساری کائنات میں نہیں دیکھا جنت فرمایا جو بندہ
हजर को प्रोटोकॉल मिले, और प्रोटोकॉल क्या, मुझे जन्नत के सबसे सेंट्रल गेट, सबसे बड़े गेट से गुजारा जाए, उसके दामन में नेकी क्या होनी चाहिए, आका नमाज होनी चाहिए, आका रोजा होना चाहिए, आका हज होना चाहिए, आका जो है ज़कात होनी चाहिए। फरमाया नहीं, इन नहीं, इस नेकी की वजह से बड़े दरवाजे से तुम्हारा गुजर नहीं होगा, ना नमाज से, ना रोजे से, ना हज से, ना ज़कात से, ना सलावत से, ना सदकात से, आका क्या मिले। फरमाया बस अपने बाप को राजी करो, इसका बाप राजी होगा, वो जन्नत के बड़े दरवाजे से गुजरेगा। बड़े बाप राजी हुआ तो जन्नत के बड़े दरवाजे से गुजरेगा। जन्नत इब्न ने कौन फरमान रखा, रिदा रब फी दल वालिद व सखद रब फी सखद अल वालिद। सुभान अल्लाह, रब को मनाने के लिए ढूंढते हैं पीरों को, रब को मनाने के लिए ढूंढते हैं वलियों को, ढूंढना चाहिए। लेकिन ये तेरे घर में भी एक गेट मौजूद है, जो राजी हो गया तो अरशों वाला रब राजी हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साहबा कोई जानना चाहता है कि उसमें अल्लाह राजी है कि नहीं, आपका कौन नहीं जानना चाहता, लेकिन अल्लाह कहा हम कहा, वो दुनिया में तो नजर ही नहीं आता। फरमाया मैं बताता हूँ तुम्हें तरीका, जो लगाएगा उसे पता चल जाएगा कि मेरा रब मेरे ऊपर राजी है या नाराज है। आपका किस तरह, फरमाया रिदा रब फी रिदा वालिद व सखद रब व सखद वालिद। फरमाया जो देखना चाहता है मेरा रब नाराज है या मेरा रब राजी है, वो अपने बाप को देखे, अगर उसमें बाप नाराज है तो उसका खुदा भी उसमें नाराज है, अगर बाप राजी है तो उसमें रब भी राजी है। पैसे जब बंदा कमाने लगते है माँ प्यो से छुपाता है, अमीर और बदल जाते, बीवी के लिए हर चीज हासिल और माँ के लिए छुपाता, बाप के लिए छुपाता, पता ना चल जाए। आपका एक ऑनलाइन की बजम आ गई, एक बंदा गया सरकार की बजम, आज कहते हैं आका मैं अपने अब्बा जी की शिकायत लेके आया हूँ। पूछा क्या, आका मेरे पैसों की मुझे धन जरूरत होती है, मेरा अब्बा मुझसे पूछे बगैर ही निकाल लेते, तो मैं बुला के ला अपने अब्बा जी को। क्या बाप से कहते हैं आप जो सरकार बुलाते, बाप ने रास्ते में पूछा क्या कहा, क्या कहा तुमने सरकार, कहते हैं तुम्हारी शिकायत लग रही किस बात, उसने कहा पैसे नहीं निकालता मेरी जेब से, मुझे आप जरूरत होती है। बुरा बाप का आंखें फट गई, आंसू जारी हो, दिल ही दिल में शेर कहने शुरू, ये अरबों की शान अशआर अरबों की शान, दिल ही दिल में शेर कहने शुरू कर दिए। रोते रोते सरकार की बजम भी आ गई, अभी सरकार की बजम में पहुंचा ना तो सरकार ने फरमाया मुझे ये बता वो अपने दिल में क्या सोच के आ रहा। अपने दिल में क्या सोचता था और आंखें फूटिया था, मैंने तो अभी कयामत का दिन को नहीं बताया, अपनी बीवी को नहीं बताया, अपनी जुबान पे नहीं लाया, आपको किसने बताया। फरमाया तू बाद में आया, जबरील पहले आया, मेरे अंदर तेरा मिलाया। अल्लाह फरमाता है महबूबा फैसला बाद में करना, पहले इसके अंदर की बातों को सुनना। बता क्या कहता था, आका मैं दिल में सोच जा रहा था, मैं कहता हूँ पागला पैसों की खातिर सरकार से शिकायत लगा दी, मैं तो ये पैसे सारा दिन रोड़ी कूट के रात को लाके तुझे खिलाना अपना ईमान समझता था, मैं तो तुझे जब तू रोता था तो मैं रोटी का लुकमा अपने गले में नहीं उतारता था, आज तूने बड़ा होके ये काम किया, मैं तेरी पदाइशें करता रहा, तू कब बड़ा होगा, तू बड़ा होता गया मैं पूरा होता गया, तेरी हड्डियां मजबूत होती गई मेरी कमजोर होती गई, तेरी कमर सीधी होती गई मेरी कमर टेढ़ी होती गई, भाई इससे तो अच्छा था तू मर जाता, मैं हमसाये की खिदमत करता, तूने पैसों की खातिर मेरी शिकायत अल्लाह के नबी से लगा दी है। आपको शेर पड़ रहा है और तुहा के चेहरे से आंसू बह रहे हैं, भीग गई जमीन, भीगी जमीन,
बीगी जब जमीन तो मेरी सरकार ने फैसला दिया ना फतवा तेरा ना फतवा मेरा ना हजरत का ना किसी भली का ना किसी रोश का ना किसी कुतब का ना किसी अम्बाल का ना किसी मुफसर का ना किसी मुहदिस का ना किसी काजी का ना ताबी का ना तबे ताबी का ना सहाबी का ना नबी का ना रसूल का बल्कि रसूलों के सरदार का आका को ने फतवा दिया फरमाया निकल के मेरे दरबार से अंता वो मालूम का ले अभी का आज के बाद तू भी और तेरा माल भी ये सब कुछ तेरे बाप का है बाप का सुनाना तो बात मुकम्मल करूं सरकार ने क्या फरमाया फरमाया जो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा सहाबा खड़े हो गए अर्ज करते आका इतना बताओ कि एक मर्तबा कोई देखे उसको तो मकबूल हज का सवाब अगर एक ही दिन में कोई 100 मर्तबा देखे अपने बाप के चेहरे की तरफ तो रब उसको क्या देगा अब दिल में छुपाना इस बात को मेरे नबी के फरमान को फरमाया अल्लाह हु अकबर हु अतिया हु सहाबा घबराते क्यों हो ना एक बार की बात है ना 10 बार की बात है ना 100 बार की बात है ना 1000 बार की बात है ना 1 लाख बार की बात है ना 1 करोड़ बार की बात है ना 1 अरब बार की बात है पर मैं देखते रहना बेटे का काम है बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह का जितनी बार देखेगा उतनी बार ही मेरा अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा आगे चाहता है मेरी औलाद मेरी मुती हो जाए फरमाया उसका एक ही तरीका है
तू अपने माँ बाप का मुदी हो जा। अगर तू अपने माँ बाप का फरमा बरदार रहा तो तेरी औलाद तेरी फरमा बरदार रहेगी, अगर तू माँ बाप का फरमा बरदार ना रहा तो तेरी औलाद भी तेरी फरमा बरदार नहीं रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को बदलो, आज से फैसला करो माँ के सामने उर्स नहीं करनी, बाप के सामने उर्स नहीं करना, रोजाना तलावतें इनके लिए करनी है। जो कुछ उन्हें चाहिए हर चीज कुर्बान करके उनके कदमों में पेश करनी है और बादल के साथ उनके लिए सदका फयाद और कुरान की तलावतें करते रहना है। हर बशर को जन्नत का है लालच, कोई चुप दे कोई इजहार करता, हर बशर को जन्नत का है लालच, कोई चुप दे कोई इजहार करता, कोई मिंबर रसूल दे चढ़ के दे राजी अपना परवरदिगार करता, कोई बली दी बैत कबूल करके रा अस्पत दी अपनी हमवार करता, पर जन्नत उन्हां नूं मिलेगी यार साथी जेड़ा मां प्यो नूं ढिड्डो